पोंटा में भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसके मुखिया सुखराम चौधरी जी हैं। लेकिन इनकी मजबूरी, जब इनका चाचा चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसके साथ आप अपने परिवार के साथ खड़े नहीं होंगे? कैसी राजनीति आप लोग करें? अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको आप सच्ची कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आपने क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मदन शर्मा के खिलाफ? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने अशोक चौधरी के खिलाफ? जैसा कि आपके माध्यम से हमें मालूम हुआ कि संदीप तोमर जी को कल एक तथाकथित बैठक हुई युवा मोर्चा की, और उसमें से निष्कासित किया गया। मैं समझता हूं कि पोंटा में पार्टी कौन सी रह गई है बीजेपी जो निष्कासित करे। पोंटा में भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसके मुखिया सुखराम चौधरी जी हैं और उनके जो भतीजे हैं वो उसके आगे डायरेक्टर हैं, और अब तो उन्होंने बिटिया को भी उसमें उतार दिया है। तो ये एक पूरे परिवार की कंपनी रह गई है भारतीय जनता पार्टी पोंटा साहिब में। जहां तक निष्कासन की बात है, तो पोंटा भारतीय जनता पार्टी के जो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि किस प्रकार का खेल यहां पर खेल रहे हैं, किस प्रकार को पार्टी को किस और लेकर जा रहे हैं। मेरा निष्कासन किया, मात्र 5 मिनट में निष्कासन कर दिया, लेकिन मेरे साथ और सहयोगी थे, उनका आज तक मीडिया में आया भी तक आपको कि भाई निष्कासन किया या नहीं किया, चाहे वो सुधीर गुप्ता जी है, चाहे वो मदन मोहन शर्मा जी है, और चाहे वो क्या नाम आपके रोशनलाल शास्त्री है, चाहे अशोक चौधरी है। मुझे आप एक दिन भी बताए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके खिलाफ, लेकिन सिर्फ मेरे खिलाफ और जो मेरे परिवार के सदस्य है उनके खिलाफ ये इस प्रकार की हरकत करते आ रहे हैं। जहां तक संदीप तोमर जी की बात है, अगर किसी के भी परिवार से, मैं सुखराम चौधरी जी को कहना चाहता हूं, मैं उनको पूछना चाहता हूं उनसे, अगर आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है तो क्या अपने परिवार के साथ नहीं जाएंगे? ये सामने देखिए, इनके पास आज भी भारतीय जनता पार्टी की सामग्री यहां पर पड़ी है, लेकिन इनकी मजबूरी, जब इनका चाचा चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसके साथ आप अपने परिवार के साथ खड़े नहीं होंगे? कैसी राजनीति आप लोग करें? अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको आप सच्ची कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आपने क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मदन शर्मा के खिलाफ? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने अशोक चौधरी के खिलाफ? क्योंकि आप एक सिर्फ हम लोगों के साथ, आप जिनसे आपको डर रहता है, जिनसे आप जो, क्योंकि हम सच्चाई बोलने वाले आदमी, हम सच्चाई के साथ काम करने वाले आदमी है। पार्टी में लगातार, चाहे मैं हूं चाहे संदीप तोमर है, हम लगातार पूरा अपना 100% पार्टी को देते थे और पार्टी के लिए काम करते थे, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।